इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XIME बैंगलोर के बारे में, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, रियलिटी चेक, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। And you're watching MBA with Arshi Khan, जहां हम बात करते हैं MBA की। और आज का जो टॉपिक है वो है XIME बैंगलोर के बारे में, जिनके दो और कैंपसेस हैं चेन्नई एंड कोची में, बट वील स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट XIME बैंगलोर। यस, 1991 का ये कॉलेज है, और ये कॉलेज जो स्टार्ट हुआ था वो कुछ अकेडमिशन से मिलकर स्टार्ट किया था, जिसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर जे फिलिप, हु वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IIM बैंगलोर एंड एक्स डीन ऑफ एक्सेलेरा। और कहीं ना कहीं ये कॉलेज जो है वो जेवियर्स बैंगलोर के भी नाम से जाना जाता है, एंड कई सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट में ये टॉप लिस्ट में होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जिनका कैट्स का स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जो मैट दे रहे हैं और उनका स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वो इन कॉलेजेस को लिस्ट में रखते हैं। AICTE अप्रूव्ड ये कॉलेज है, PGDM कराता है, 11 लाख उसका फी स्ट्रक्चर है। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो कई सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, फाइनेंस, HR, IT, टेक एंड एनालिटिक्स, मार्केटिंग, देन वी हैव जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, ये सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, 50% आई नो ग्रेजुएशन, राइट, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो कैट, जैट, मैट, राइट, इन सभी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। 70-75% होना चाहिए, अगर आपका उससे कम है तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनके कोची और चेन्नई वाले कैंपसेस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 70 है तो उस केस में आपको बैंगलोर मिलने के चांसेस है, 180 सीट्स हैं इनके PGDM के, और अगर आपका परसेंटाइल कम है, अकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है, तो उस केस में आपको चेन्नई या कोची वाले कैंपसेस मिल सकते हैं। नाउ ग्रुप एक्सरसाइज होती है, अकेडमिक्स होता है, अगर हम बात करें तो अकेडमिक्स को 20% का वेटेज है, उसके अलावा 35% वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस के स्कोर का है, 35% जो है वो ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू का है, एंड 10% वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं जेंडर डाइवर्सिटी का है, मतलब आपके कोर्स डाइवर्सिटी का है, और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं कॉलेज शॉर्टलिस्ट करता है। 500 का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसको फिल करके आप देन GD एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब इंटरव्यू इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू नर्वस दैट मेरा स्कोर परसेंटाइल कैट में कम है, सो मेक श्योर दैट यू हैव टू किल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक इट। जस्ट अकेडमिक्स अगर आपका ऑन अ सेफर साइड है टू गेट इन टू दिस कॉलेज, ये कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनका कैट में 90 है, 85 है, अगेन आई एम सेइंग जिसका 70 के आसपास है, 75 के आसपास है, वो इसको लिस्ट में रख सकते हैं। क्लब्स अच्छे हैं, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं अटेंडेंस को लेके, बिकॉज ऑब्वियसली ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कॉलेज डिजाइन करता है, एंड जेवियर्स का नाम भी है, ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है, एंड यस इट्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट द कोर्सेज एंड फी स्ट्रक्चर, वी हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज, बट वट यू सी द मोस्ट दैट इज प्लेसमेंट्स, वट इज द प्लेसमेंट स्टैट्स। आई वॉज गोइंग थ्रू द वेबसाइट, राइट, अगर मैं वेबसाइट की उनकी बात करूँ तो जो वो प्लेसमेंट इस सेशन का क्लेम कर रहे हैं, that was 9,25,000 rupees and highest salary was 18 lakh, 100% placement, again I'm telling you, do not get into this trap, 100%, there's nothing called 100% placement, trust me on this, do not get into that। कोविड था, कोविड के बाद प्लेसमेंट बढ़ा है, क्योंकि इनका एवरेज पैकेज 6.5-7 रहता था एकदम इतना हाइक, तो थोड़ा सा पैकेज के टाइम में आप चेक कर सकते हो, बिकॉज एवरेज कैलकुलेट करने का पूरा सिनारियो अलग होता है। अगर किसी स्टूडेंट का, लेट्स से किसी कॉलेज में दो बच्चों का 18-18 लाख का या 16-16 लाख का पैकेज लग गया ज्यादा, तो ये एवरेज पैकेज एक बार आप थोड़ा सा वेरिएशन है तो उसको सोच के आपको जाना है। 11-12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2 सिलिकॉन वैली है, बैंगलोर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, राइट फ्रॉम इंटर्नशिप, राइट फ्रॉम जॉब्स, बट अगेन XIME इज अ गुड कॉलेज, अगर आपका कैट में 70 है आप लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हो, बट अगर आप ये सोच रहे हो 9,25,000 का एवरेज पैकेज है तो यू माइट बी रॉन्ग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा 180 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, 73 रिक्रूटर्स थे, कई सारी कंपनीज थी, विच इंक्लूड्स HSBC, हंगर बॉक्स,
Ecreium, and उसके अलावा IDFC, EY, TCS, Tech Mahindra, Oracle, Aspire System, HPE, VMware, Emphasis, and lot more. ये सारी companies थी जिन्होंने participate किया last year. ये सारी जो कंपनीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर. अब अगर हम 20 एंड 21 के प्लेसमेंट कंपेयर करें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 20 में 7 लाख का पैकेज था एंड 9,25,000 का पैकेज था, वेर इज हाईएस्ट 16.5 था एंड देन 18 लाख का था. सो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ उसको थोड़ा सा आप गौर करो कि 2 लाख का कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज हाइक हुआ है. तो 6-7 लाख का एवरेज पैकेज मिलना इज नॉट डिफिकल्ट, 6 लाख का स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज. बट क्योंकि यू नो कोविड सिचुएशन में अच्छे से अच्छे कॉलेज की हालत आई हैव सीन कि प्लेसमेंट्स में डिप रहा है. वहां पे मैं अगर कॉलेजेस की वेबसाइट की बात करूं तो वहां पे यू नो प्लेसमेंट्स थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहे हैं, एंड क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं होती जो ये वेरीफाई करें, तो इस वजह से सोच समझ के कॉलेज एनालाइज करना है, देन फाइनलाइज करना है. एंड इफ यू नीड माई हेल्प इन दैट, आई एम ऑल देयर टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग. राइट बी स्कूल, ऑल यू हैव टू डू, एक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है. इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इन योर बकेट लिस्ट एंड यू वांट मी टू शॉर्टलिस्ट इट फॉर यू, सो यू कैन जस्ट फिल दैट प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म. माय टीम विल गाइड यू इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग राइट बी स्कूल. टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.